नमस्कार स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। अजमेर जिला परिषद के 32 वार्डों के चुनाव परिणाम भी घोषित हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 वार्डों में भाजपा की और 11 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई है। ऐसे में भाजपा का जिला प्रमुख बनना तय है। इस बार अजमेर के जिला प्रमुख का पद आरक्षित नहीं है, इसलिए सामान्य वर्ग का पुरुष भी जिला प्रमुख बन सकता है। भाजपा में जिला प्रमुख के अधिकांश दावेदार वार्ड सदस्य का चुनाव जीत गए हैं, जिसमें सुशील कंवर पलाड़ा, फुकराज पहाड़िया, महेंद्र सिंह मंजेवाला, श्रवण सिंह रावत आदि शामिल हैं। वहीं भाजपा के ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना को हार का सामना करना पड़ा है। जिला परिषद के वार्ड संख्या 30 से भाजपा के श्रवण सिंह रावत की जीत का श्रेय भाजपा विधायक सुरेश सिंह रावत को जाता है। विधायक रावत की पहल पर श्रवण सिंह को एन मौके पर भाजपा में शामिल किया गया था, जबकि भाजपा के राजेंद्र रावत ने कांग्रेस से उम्मीदवारी हासिल ली, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस प्रकार हम जनता के बीच में चुनावों के अंदर गए थे कि हमारे मुद्दे थे। कांग्रेस के कुशासन के राज के अंदर 2 साल के अंदर राजस्थान की जनता त्रस्त हो चुकी थी। बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षाओं का मुद्दा हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, मूलभूत सुविधाओं के साथ में हम जनता के बीच में हम उतरे थे। कांग्रेस के कई नेता नजर नहीं आ रहे थे। अभी तक के जो रुझान सामने आए, जैसे जिला परिषद के 16 रुझान आ गए, जिसके अंदर 11 पर बीजेपी चल रही और 3 में कांग्रेस। पुखराज पाड़िया है, महेंद्र सिंह मजेवला है, दिलीप पचार है, ओम प्रकाश बढ़ाना है, श्रवण सिंह रावत है, ये प्रमुख दावेदार हैं जिनके नाम जिला प्रमुख की दौड़ में शामिल है। जो प्रत्यक्ष की बात करें तो अभी जो पहले चरण में यहाँ जो मतदान मतगणना हुई है, इसमें महेंद्र सिंह मजेवला कभी 5-10 वोट से। अजमेर जिले में पंचायती राज के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। 11 पंचायत समितियों में से कांग्रेस को सिर्फ 2 में बहुमत हासिल हुआ, जबकि 9 पंचायत समितियों में भाजपा को बहुमत। भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया है। भूतड़ा ने आरोप लगाया कि चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं ने भाजपा के प्रति भरोसा जताया। भूतड़ा ने जिले के ग्रामीण मतदाताओं का आभार जताया। वहीं पूर्व मंत्री नसीम अख्तर अजमेर ग्रामीण और मुख्य सचिव निरंजन नारे की बहन निर्मला डांगी पिसागंज पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव जीत गई, लेकिन दोनों पंचायत समितियों में भाजपा को बहुमत हासिल हुआ है। वार्ड नंबर 29 से किरण राजपुरिया कांग्रेस प्रत्याशी के अनुराग राजपुरिया इस चुनाव में 650 वोटों से विजयी हो चुके हैं। हमारे कांग्रेस के भाई श्री लाल तंवर 1923 वोटों से वार्ड नंबर 32 के रिजल्ट आए। उसमें थोड़े से आपने को बताया ना क्या कहा। जनता जनार्दन है और जो जनता ने आशीर्वाद दिया है श्री लाल तंवर को, वो उसकी मेहनत है। और स्वर्गीय उनके पिताजी मांगेलाल जी, उन्होंने जो स्वामी न्यूज ने आज जिला परिषद और पंचायती राज चुनाव के सीधे प्रसारण में एक बार फिर शहरवासियों को सही चुनाव के परिणाम के आंकड़े बताकर एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम की है। दर्शकों, हम आपको बता दें, आज पंचायती राज आम चुनाव 2020 मतगणना और चुनाव परिणाम का सीधा प्रसारण में करीब 2000 लोगों ने सीधा प्रसारण स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर देखा, जिसमें करीब 153,000 लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचा। 67,000 लोगों ने फेसबुक के माध्यम से ये कार्यक्रम को देखा, 29,000 कमेंट के माध्यम से जानकारी ली। वहीं यूट्यूब पर 52,971 दर्शकों ने परिणाम जाने। दर्शकों, यह बड़ी संख्या में आज लोगों ने स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर अपना विश्वास रखा और परिणाम जानकर अपने समर्थकों की जीत और हार की जानकारी ली। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कंवल प्रकाश कृष्णानी और वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने स्वामी स्टूडियो से लाइव चर्चा की। वहीं स्टूडियो में टेक्निकल स्टाफ हरविंदर सिंह, एडिटर दिव्यांश अमित और मुस्कान शर्मा सहित मतगणना स्थल से मनोज सोलंकी के साथ पवन अटारिया उपस्थित रहे। निश्चित रूप से यदि इतने लोग हम लोगों के साथ में अभी भी समय बने हुए हैं और जो 5 घंटे और 9 मिनट 5 घंटे 10 मिनट हम लोग साथ में रहे, गिरधर तेजवानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टेक्निकल जो पूरी टीम है, हरविंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जो हमारी बाकी जो टीम जुड़ी हुई है, अमित जी हैं, दिव्यांश है, ये हम लोगों को निश्चित रूप से उन सब चीजों को किया। जो आज अजमेर के अंदर जो बंद रहा, तो उस भी बंद की
रिपोर्टिंग करने के लिए भी हमारी शर्मा मुस्कान शर्मा ने पूरी रिपोर्टिंग करके उन सब चीजों को जानकारी दी। पवन जी और मनोज जी लगातार लाइव के माध्यम से वहां पर बने हुए थे, उनका भी धन्यवाद। निश्चित रूप से पूरी टीम की वजह से ही ये सब चीजें संभव हो पाई है और आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। निश्चित रूप से हम आप लोगों जानकारियां लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारियां हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को और Facebook को आप लाइक करें। किसान आंदोलन के तहत बुलाए गए भारत बंद को अजमेर में भी समर्थन मिला है, जहां पर अलग अलग व्यापारिक संगठनों ने स्वैच्छिक प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद को समर्थन देते हुए सुबह से बाजारों में दुकानें नहीं खुली और ना ही किसी प्रकार की चहल पहल देखी गई। वहीं जिले की सभी कृषि उपज मंडी आज बंद रही। वहां पर भी व्यापारियों ने किसानों को समर्थन देते हुए मंडियों को बंद रखा। किसानों ने भी आज अपने अनाज को मंडी में नहीं ले जाने का फैसला लिया। बंद को कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने भी समर्थन दिया, जिसके तहत आज सुबह ही कांग्रेस पदाधिकारी सड़क पर निकलकर बंद को सफल बनाने की अपील करते नजर आए। गौरतलब है कि कृषि विधेयक बिल को वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली में आंदोलनरत हैं, उसी के तहत आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। निजी फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार मोदी जी जिस तरह अडिंग है और किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की जनता के साथ, देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अपनी हटकरनीयता पे हैं। जिस तरह किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों ने पहले ही कह दिया था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम 8 तारीख को भारत बंद करेंगे, लेकिन मोदी जी पे, भाजपा सरकार पे जूं भी नहीं रहेंगी और उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्होंने तो कॉरपोरेट कंपनियों को, जो कॉरपोरेट परिवार हैं, उन लोगों से पैक्ट कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में इस काले कानून को अगर वापस नहीं लिया, जैसा कि कांग्रेस ने समर्थन दे रखा पूरे भारत में बंद को, और जो है कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ है। बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए राजकीय महाविद्यालय के बाहर ब्यावर रोड को जाम कर दिया व नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसान आंदोलन को छात्र संगठन एनएसयूआई का पूरा समर्थन है और केंद्र सरकार को किसानों की बात मानते हुए बिल वापस लेने पर विचार करना चाहिए। एनएसयूआई ने किसान बिल वापस नहीं लेने की सूरत में दिल्ली कूच करने की बात की है। वही एनएसयूआई द्वारा रोड जाम किए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को समझाइश करते हुए रोड का जाम खुलवाया। आज अजमेर एनएसयूआई ने जो केंद्र सरकार द्वारा काला कानून लाया गया है उसके विरोध में सांकेतिक रूप से मानव श्रृंखला बनाकर रोड जाम किया है और जो भारत बंद है उसमें समर्थन किया है। और हमने केंद्र, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया है और भाजपा का जो राष्ट्रीय ध्वज है, भाजपा का जो संगठन का ध्वज है, उसको जलाया है हमने। अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर आज NWRF संगठन ने किसान आंदोलन के भारत बंद को समर्थन देते हुए नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। रेलवे कर्मचारियों ने कहा कि इतने दिनों से किसान आंदोलन पर हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। ये केंद्र सरकार की तानाशाही रवैया नजर आता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कृषि विधेयक बिल वापस लेकर किसानों को राहत देनी चाहिए, साथ ही जो निजीकरण की बातें सामने आ रही है उन पर भी विराम लगाना चाहिए। रेलवे कर्मचारियों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अपनी जीत पर अड़ी रही तो एक दिन देश की जनता सड़कों पर होगी, जिसे संभाल पाना किसी के बस में नहीं होगा। जिस तरीके से इस देश की सरकार 130 करोड़ जनता की बात तो अवश्य रूप से करती है, लेकिन 130 करोड़ जनता की चिंता किए बगैर चंद कॉर्पोरेट घरानों को लाभ देने के उद्देश्य से। किसान आंदोलन के तहत भारत बंद में रोडवेज बसों का संचालन भी बंद है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर सुबह से ही यात्री बसों के इंतजार में बैठे हैं रहे, लेकिन बस बंद होने की वजह से अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे। इस दौरान यात्रियों ने कहा कि भारत बंद किसान आंदोलन को लेकर रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से रोडवेज बसों को बंद किया गया है ये आम जनता के लिए कुठाराघात है। परेशानी, सुबह से बैठे हैं, बस नहीं चल रही है, कुछ भी यहाँ पे बैठे हैं, कुछ सुविधा नहीं है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, सभी को दिक्कत हो रही है, और तो बस चल जाए तो अच्छा होता।
दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कृषि कानून 2020 के मुद्दे पर चल रहे किसान आंदोलन के तहत देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया। पुष्कर में इस आंदोलन से जुड़े राजनीतिक संगठनों ने पुष्कर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवक को देखकर कस्बे को बंद मुक्त रखने की घोषणा पहले ही कर दी थी, जिसके चलते बंद का असर धार्मिक नगरी पुष्कर में देखने को नहीं मिला। कृषि कानून के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा मंजू कुणिया के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। कस्बे के अम्बेडकर सर्किल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 501 आहुति डाल परमात्मा से मोदी सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। आज अंबेडकर सर्किल के पास में बाबा साहब भीमराव मूर्ति के पास के अंदर हमने एक सद्बुद्धि यज्ञ